हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी इस कोर्स टाइटल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये जो है कोर्स टाइटल जो है बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम कल हो चुका है, तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया हुआ है जो कल आपके एग्जाम में आए थे। तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है, पेपर को आपने अटैम्प्ट किया हुआ है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वैसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में नहीं आए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हैं। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वो रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन से संबंधित कौन है? तो साथियों, ऑप्शन है कि डी कंडोल है, कोपेन है, ट्रोल है, या इनमें से सभी। तो साथियों, कोपेन का नाम आता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, कोपेन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एल्बिडो इज एनर्जी, एल्बिडो किस प्रकार की ऊर्जा है? तो साथियों, एल्बिडो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो अर्थ पर आती है और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है। इट इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एल्बिडो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा को कहते हैं जो अर्थ पर सन से आती है और फिर जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस की तरफ जो है, तो इसे हम कहते हैं एल्बिडो। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नियरेस्ट इन, ट्रोपोस्फियर की जो औसतन जो ऊंचाई है वो किसके नज़दीक है? तो क्या वो ट्रॉपिक्स के नज़दीक है या मिडल लैटिट्यूड्स के नज़दीक है, बोथ ए एंड बी, या पोलर रीजन्स के? तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो एवरेज हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की वो लगभग 13 किलोमीटर के समथिंग होती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में ये मिडल लैटिट्यूड्स की पर जो इसकी जो हाइट होती है एवरेज वो होती है 17 किलोमीटर, तो इसके नियरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो ट्रॉपिक्स है पर जो इसकी एवरेज हाइट होती है वो होती है 18 किलोमीटर, तो 17 और 18 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम मान लेंगे कि यानी ट्रॉपिक्स और मिडल लैटिट्यूड्स इन दोनों के आसपास में जो है आपकी इसकी एवरेज हाइट आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डज हीट फ्लो इन लिक्विड, लिक्विड में जो है द्रवों में जो है ऊर्जा कैसे किस तरीके से जो है फ्लो करती है? तो साथियों, ये फ्लो करती है कन्वेक्शन के माध्यम से। आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी, कन्वेक्शन यानी संवहन के माध्यम से जो है ऊर्जा का प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बैरोमीटर मेजर्स, जो बैरोमीटर होता है ये किसकी माप करता है? तो साथियों, जो बैरोमीटर होता है ये विंड प्रेशर की को मेज़र करता है, या एयर फ्लो को मेज़र करता है, मापता है, या फिर जो है आपका रेनफॉल को, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बैरोमीटर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न, किस प्रकार का वेदर फॉरकास्टिंग जो है क्रॉपिंग पैटर्न के फॉर डिटरमाइनिंग में हेल्प करता है? तो साथियों, ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो शॉर्ट वेदर फॉरकास्ट होता है ये जो है आपका क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट वेदर फोरकास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज सिचुएटेड इन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज डन फॉर, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो है कितने दिनों का होता है? तो साथियों, ये होता है 3 से 10 दिन का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 से 10 दिनों की जो फॉरकास्टिंग की जाती है वो मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड मानसून इज एन, जो शब्द है मानसून ये किस भाषा का, किससे शब्द लिया गया है? तो इंडियन ओरिजिन का है या लैटिन अमेरिकन ओरिजिन का है? तो साथियों, ये है आपका सी ऑप्शन, अरबिक, ये अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, मौसम, अरबी भाषा का जो शब्द मौसम है उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इज इन इंडिया इज, तो भारत में जो है मानसून की आगमन कब होता है? तो साथियों, माना जाता है 1 जून को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 जून जो है आपका भारत में मानसून के आगमन की तिथि मानी जाती है, डेट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनमें से गतिज ऊर्जा का कौन सा एक प्रकार है? तो रेडिएंट एनर्जी, या थर्मल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो साथियों, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं सब सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एवरेज रेनड्रॉप इन डायमीटर,
बारिश की जो बूंद होती है उसका औसत जो है व्यास जो है व्यास में साइज क्या होती है, तो साथियों ये होती है 2 mm। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 mm आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज रेनी क्लाउड्स, उसमें से कौन से जो है वर्षा करने वाले बादल होते हैं, तो साथियों निम्बो स्ट्रेटस होते हैं या कुमलो निम्बस होते हैं या ऑप्शन नंबर आपका सी दोनों होते हैं इनमें से सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस और कुमलो निम्बस ये दोनों के दोनों बादल जो है आपका रेनी क्लाउड्स के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन, भारतीय जो है मौसम विज्ञान जो विभाग है वो कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये स्थित है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका दिल्ली आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है द वार्म एंड क्लाउड कोल्ड क्लाउड सीडिंग एजेंट इज, वार्म और कोल्ड क्लाउड की सीडिंग कई कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो साथियों सेम केमिकल्स को माना जाता है या डिफरेंट केमिकल्स को माना जाता है या नो केमिकल इज रिक्वायर्ड या नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वार्म क्लाउड के लिए और कोल्ड क्लाउड के लिए जो है हम जब सीडिंग करते हैं तो इसमें हमको अलग अलग प्रकार के केमिकल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक ही प्रकार के केमिकल से हम दोनों वार्म एंड कोल्ड क्लाउड को हम नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड मेट्रोलॉजिकल डाटा एट एनी प्लेस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेट्रोलॉजिकल डाटा को कहीं पर भी जो है रिकॉर्ड कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, तो साथ ही उसे बोला जाता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज, रेन गेज को हम किस नाम से जानते हैं, रेन गेज जो है एक मिनट चल जो रेन गेज जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों रेन गेज को हम जानते हैं ओडोमीटर के नाम से, पलोमीटर के नाम से या ओम्ब्रोमीटर के नाम से, तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे नाम जो है रेन गेज के अन्य नाम हैं, अदर नेम हैं, ओडोमीटर भी कहते हैं इसे, पलोमीटर भी कहते हैं, ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो अनुकूलतम तापमान वो कितना होना चाहिए, तो साथियों ये होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइसोबार इज, आइसोबार क्या है, तो आइसोबार कहते हैं साथियों लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, समान दाब की रेखाओं को हम बोलते हैं आइसोबार, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ रेन गेज इंक्लूड्स, रेन गेज के जो प्रकारों में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, वेटिंग गॉज होते हैं या टिपिंग बकेट गॉज होते हैं या इनमें से सभी, तो रेन गेज में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, टाइप्स ऑफ रेन गेज इंक्लूडेड, रेन गेज के टाइप्स में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो साथियों इसमें जो है सब के सब सम्मिलित होते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी होते हैं, वेइंग गॉज होते हैं या टिपिंग बॉकेट गॉजेस होते हैं, ये सब के सब जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन, ये सब के सब जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है द ऑटोमेटेड वेदर मेजरमेंट इज टेकन, जो ऑटोमेटेड वेदर मेजरमेंट होता है वो लिया जाता है, तो साथियों ये लिया जाता है वंस इन एन आवर, एक घंटे में एक बार कम से कम इसको लिया जाता है। ऑटोमेटेड वेदर मेजरमेंट जो है, जो ऑटोमेटेड वेदर मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है इसके द्वारा जो मेजरमेंट होती है, जो माप होती है, एक घंटे में कम से कम एक बार ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द विंड वेन इज यूज टू डिटरमाइन, जो विंड वेन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो साथियों ये विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनरली ए विंड वेन शुड बी केप्ट, सामान्यतः जो विंड वेन होता है वो रखा जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो साथियों जो विंड वेन होती है इसकी डायरेक्शन रखते हैं ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो है पूर्व की तरफ रखा जाता है, सॉरी तो विंड वेन को हम रखते हैं ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग यानी भवन के जो है पूर्व की तरफ रखा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द मेन सी लेवल प्रेशर इज, जो मध्य औसत जो है समुद्री जो है दबाव होता है, समुद्र सतह से दबाव होता है वो कितना होता है, तो साथियों ये होता है आपका 113.25 होता है, 113 का बोल रहे हैं इसको, सॉरी ये 113.25 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वेदर फिनोमेना रेन अकर्स इन, वेदर फिनोमेना में जो रेन होता है वो होती है कहाँ पर होती है, मेजोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है या थर्मोस्फीयर में होती है, रेन्स कहाँ पर किस लेयर पे होती है, किस स्तर पर होती है, तो साथियों जो रेन होती है ये ट्रोपोस्फीयर में होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेन जो है ट्रोपोस्फीयर में होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तो फॉर कॉस्ट बेस्ड ऑन विच एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, जो फॉर कॉस्ट बेस्ड होते हैं वो किस पे जो है फॉर कॉस्ट बेस्ड के लिए जो है क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, इसमें रखेंगे प्रेसिपिटेशन एंड इसमें रखेंगे टेम्परेचर। फॉर कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। अगला प्रश्न देखते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो वर्ल्ड का जो इसका जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो साथियों जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिनेवा जो है आपका ऑप्शन नंबर जिनेवा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका ये जिनेवा में सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, साइनोप क्लाइमेट एंड टेम्प आर, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये फॉरकास्टिंग सिस्टम है या वेदर पैरामीटर्स हैं, बोथ ए एंड बी, फॉरकास्टिंग सिस्टम में आते हैं या वेदर पैरामीटर्स में आते हैं, बोथ ए एंड बी, या मेट्रोलॉजिकल कोड्स होते हैं, तो साथ ही ये मेट्रोलॉजिकल कोड हैं, ये मेट्रोलॉजिकल कोड हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइनोप क्लाइमेट एंड टेम्प ये सब मेट्रोलॉजिकल कोड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट इज ए, क्लाइमेट किस प्रकार का कोड है, तो साथियों ये कैरेक्टर बेस्ड कोड होता है, ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लाइमेट जो है आपका CLIMATE, क्लाइमेट जो है आपका कैरेक्टर बेस्ड कोड होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन, जो विश्व जो है मौसम विज्ञान जो है दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों मनाया जाता है 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 23 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विंड स्पीड इज मेजर्ड इन, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है मापन पद्धति है उसके अनुसार जो है जो हवा की गति होती है या विंड स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है, तो साथ ही उसको मेजरमेंट किया जाता है, इसका मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हवा की जो गति होती है इसको मापा जाता है मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला प्रश्न 31वें प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, ऑक्टस इज ए टर्म विच इज यूज फॉर, ऑक्टस जो है एक प्रकार का जो टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो साथियों इसको इस्तेमाल करते हैं क्लाउड कवर के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, क्लाउड कवर के लिए। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज आर, तो जो प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो हैं वाटर वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो साथियों ये सब के सब होंगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सारी की सारी जो है आपका ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इनएक्यूरेसी ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग इज ड्यू टू, वेदर फॉरकास्टिंग में जो इनएक्यूरेसी आ जाती है, जिसमें अशुद्धता आती है, जिसमें गड़बड़ी हो जाती है, वो किसके कारण होती है, तो वो होती है काइओटिक नेचर ऑफ द टेम्परेचर जो सॉरी एटमॉस्फेयर, काओटिक नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो है कह सकते हैं एटमॉस्फेयर जब सही तरीके से नहीं रहता है वो समय समय बदलता रहता है, तो इस कारण जो है आपका इनएक्यूरेसी आती है वेदर फॉरकास्टिंग में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए लो प्रेशर सिस्टम इंडिकेट्स, जो एक लो प्रेशर होता है ये किसको इंडिकेट करता है, लो प्रेशर सिस्टम इंडिकेट्स ये किसको इंडिकेट करता है, तो साथियों जो लो प्रेशर होता है वो लो चांस ऑफ रेन को इंडिकेट करता है या ग्रेटर चांस ऑफ रेन, तो लो प्रेशर इंडिकेट करता है ग्रेटर चांस ऑफ रेन, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ग्रेटर चांस ऑफ रेन को इंडिकेट करता है, लो प्रेशर सिस्टम जो है आपका इंडिकेट करता है ग्रेटर चांस ऑफ रेन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रैपिड प्रेशर राइज इंडिकेट्स, जो रैपिड प्रेशर जब बहुत तेज़ी के साथ में जो प्रेशर राइजेज हो जाता है एलिवेट हो जाता है तब ये किसको इंडिकेट करता है, साथियों जब प्रेशर जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है तब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो इम्प्रूविंग वेदर कंडीशंस को या स्टेबल वेदर कंडीशन को, बोथ ए एंड बी, या बैड वेदर कंडीशंस को, अचानक से जो है प्रेशर का बढ़ना रैपिड प्रेशर राइजेज ये किसको इंडिकेट करता है, तो जब अचानक से बढ़ेगा तो साथियों ये आपका इंप्रूविंग वेदर कंडीशंस को और स्टेबल वेदर कंडीशंस को, इन दोनों को इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मैरिटल सोइंग मॉइस्चर एट हाई एल्टीट्यूड सिग्नल्स, तो जो मैरिटल सोइंग मॉइस्चर होता है ये हाई एल्टीट्यूड पर क्या सिग्नल देता है, तो अर्ली अराइवल ऑफ वेट वेदर या इट इज़ अर्ली टू लेट अराइवल ऑफ वेट वेदर, ये किसको इंडिकेट करता है, तो साथियों ये इंडिकेट करता है अर्ली अराइवल ऑफ वेट वेदर, मैरिटल सोइंग मॉइस्चर जो है ये हाई एल्टीट्यूड पर सिग्नल देता है अर्ली अराइवल ऑफ वेट वेदर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द परसिस्टेंट टाइप ऑफ मानसून इन इंडिया इज ऑब्जर्व इन, लगातार जहां पर जो है मानसून बना रहता है तो भारत में वो ऑब्जर्व किया गया है, तो इसको ऑब्जर्व किया गया है केरला में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ग्लोबल मानसून सिस्टम द एब्रप्ट मानसून इज जनरली ऑब्जर्व इन,
ग्लोबल मानसून सिस्टम में जो है मानसून का जो अचानक से आ जाना जो है वो ऑब्जर्व किया गया है कि इस महीने में। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जून में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच है विच प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून इन इंडिया इज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कारक है जो भारत के मानसून में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो साथियों वो है वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है आपका वेस्टर्न घाट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है भारतीय मानसून में। अगला प्रश्न है द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट हिट्स। भारत के जो अरब सागर से चलने वाला जो मानसून है इसे हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं, ये पहली बार कहाँ पर टकराता है? तो साथियों ये टकराता है आपका वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट पर टकराता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अरब सागर से चलने वाला मानसून होता है इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये पहली बार यानी फर्स्ट कहाँ पर हिट करता है? तो साथियों ये वेस्टर्न घाट में हिट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू नेशनल वेदर फॉरकास्टिंग सेंटर द रेड कलर वार्निंग मीन्स। राष्ट्रीय जो है मौसम जो पूर्व सूचना जो केंद्र होता है इसके अनुसार जो है जो रेड कलर होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बी ऑप्शन टेक एक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द ईयर। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत में वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो साथियों इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, 1875 में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में वो पहला रिपोर्टर कौन है भारत सरकार का जो है फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर कौन है? तो साथियों वो थे आपका मिस्टर HF बैनफोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर HF बैनफोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ IMD वाज। IMD का जो है पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो साथियों वो था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी बोल रहे हैं क्या? बी ऑप्शन नंबर आपका बी कोलकाता, टिक कर रहे हैं कोलकाता, बता रहे हैं डी हैदराबाद वाला, तो ऑप्शन नंबर का बी है कोलकाता, बी ऑप्शन जो है आपका कोलकाता ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ IMD। IMD का जो वर्तमान में जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो साथियों IMD का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्तमान में दिल्ली में है। सबसे पहले जो है फर्स्ट जो था वो था वहाँ पर जो था, एक मिनट, अभी फर्स्ट ही देखा गया था ना, फर्स्ट हेडक्वार्टर था जो है आपका कोलकाता में, वर्तमान में है दिल्ली में, और उसके बाद शायद शिफ्ट किया गया था जो है कोलकाता से शिफ्ट किया गया था ये भोपाल में, सॉरी भोपाल में नहीं शिमला में। तो अगला प्रश्न है बिफोर शिफ्टिंग IMD टू पुणे इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू। पुणे में शिफ्ट होने से पहले जो है IMD वो कोलकाता से कहाँ शिफ्ट किया गया था? तो साथियों शिमला में शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसको शिमला में शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन कलर फॉरकास्टिंग सिंबल इंडिकेट्स। जो ग्रीन कलर होता है ये फॉरकास्टिंग सिंबल में क्या इंडिकेट करता है? तो साथियों जो ग्रीन कलर होता है ये इंडिकेट करता है नो वार्निंग को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन कलर का मतलब नो वार्निंग, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है येलो कलर फॉरकास्टिंग सिंबल इंडिकेट्स। जो पीला कलर होता है येलो कलर ये फॉरकास्टिंग सिस्टम में क्या इंडिकेट करता है? तो जो येलो कलर होता है ये इंडिकेट करता है वॉच को, मतलब ध्यान दीजिए अलर्ट रहिए। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, वॉच को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है द डार्क येलो कलर फॉरकास्टिंग सिंबल इंडिकेट्स। तो जब डार्क येलो है वो किस सिंबल को इंडिकेट करता है? तो डार्क येलो जो है ये इंडिकेट करता है वार्निंग को। अगर कलर जो है येलो का डार्क हो रहा है तब ये वार्निंग को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वार्निंग। अगला प्रश्न है हाउ मच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द ट्रोपोस्फीयर कवर। ट्रोपोस्फीयर जो है एटमॉस्फेयर कितने भाग को कवर करता है? तो ये 75% भाग को कवर करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 75% भाग को कवर कर लेता है। अगला प्रश्न है वेयर इज एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर लोकेटेड। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है एवं ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोपोज के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मीजोपॉज का जो है टेम्परेचर कितना होता है? तो साथियों होता है ऑप्शन नंबर आपका बी माइनस में 95 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच रीजन डज फोटो आयनाइजेशन अकर। किस क्षेत्र में जो है फोटो आयनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, प्रकाश आयनीकरण की प्रक्रिया किस क्षेत्र में होती है? तो साथियों ये होती है आपका एग्जोस्फियर में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एग्जोस्फियर नहीं थर्मोस्फियर में होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ये जो है आपका जो फोटो आयनाइजेशन जो है होती है प्रकाश आयनीकरण की प्रक्रिया जो होती है ये थर्मोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एग्जोस्फीयर इन मेजॉरिटी। एग्जोस्फीयर में कौन सी गैस है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो साथियों वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो गैस है ये एग्जोस्फीयर में एज ए मेजॉरिटी गैस के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑक्सीजन वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में जो कल आपका क्वेश्चन पेपर आया था जो है उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड किए गए हैं, तो आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न कल सही हुए थे प्रश्नों के उत्तर। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही एक नए लेक्चर साथ एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।